प्लान में पहले थी 7 इनकम, कितनी इनकम थी? 7। अभी कितनी है? 11। कोरोना रिलीफ फंड को साइड कर, तो 11 इनकम है हमारे पास अभी। इनकम बढ़ी की घटी? बढ़ी। पहले कोई 7 टाइप की इनकम देता था, नो, अभी कोई 11 टाइप की इनकम देता है, बढ़ गई ना? यस। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझ लेते हैं। आप जूम कर लेना जरा भाई जी, जूम कर लो। पहली इनकम है रिटेल प्रॉफिट जो पहले भी थी, अप टू 40%। दूसरी इनकम परफॉर्मेंस बोनस अप टू 6%, वेरी गुड। तीसरी इनकम है फ्लेक्सी बोनस अप टू 6%। चौथी इनकम है एक्टिव बोनस, ये पहले भी थी, 25%, 90,000 लिमिट, राइट। पांचवी इनकम है बीबीएफ कंसेंसी बोनस, पहले भी थी अब भी है, 45,000 लिमिट। छठी इनकम बीबीएफ बिजनेस बिल्डिंग फंड, और इस समय ये प्लान की जा रही है, राइट, 7%। सातवीं इनकम सुपर एक्टिव, पहले भी थी, 8वीं इनकम कार फंड, पहले भी थी, 9वीं इनकम हाउस फंड, पहले भी था, 10वीं इनकम सुपर फ्लेक्सिबल बोनस, ये बताऊंगी तो कूद पड़ोगे, नाचोगे, क्या हो गया। 11वां मेगा फ्लेक्सिबल बोनस, जो बिजनेस डबल करने पे इनकम बढ़ती थी ना, वो महज उसका 10% बिजनेस करने पे आ जाएगी, सोचो, बढ़िया हुआ कि घटिया? यस yes, बढ़िया। जो बिजनेस डबल करना था यानी लाख भी नहीं, उसका 10% कितना होता है? 10,000, उतने करने से इनकम आ जाएगी तो मजा नहीं आएगा? यस। नाउ इसको किया कैसे कंपनी? अच्छा, कोरोना रिलीफ फंड और अलग से है, कोरोना रिलीफ फंड अप्रोक्स 11.5% वो अलग है, ठीक है। ये पूरा प्लान का आप देख सकते हो, एक बार फोटो भी ले सकते हो, ये प्लान के नाम भी है, राइट। प्लान ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुने। ठीक है, चलिए। अभी प्लान भी काम तब करता है जब सेल होती है। पहले ये लोग कितनी लोग में इस बात से मेरे एग्री करते हैं? यस, दुनिया का हर प्लान फीका है अगर सेल नहीं होती। सेल है तो प्लान है, तो प्लान है। सेल नहीं प्लान तो प्लान भी नहीं, राइट। सेम यही कहानी बीवी पर भी आती है, 200% बिजनेस वॉल्यूम दे दो, सेल ही नहीं होगी तो उस बिजनेस वॉल्यूम का अचार डालेंगे, बिजनेस वॉल्यूम आएगा ही नहीं, राइट। सेल होगी तो पैसा आएगा, चाहे बिजनेस वॉल्यूम कम भी होगा, राइट। नाउ अब सेल ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट की ज्यादा होगी, क्यों होगी बताओ? अफोर्डेबल प्राइस। यस, डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत ही ट्रेडिशनल वर्सेस हुई थी। ये कहा जाता है ना, बीच की मार्केट को खत्म कर दिया, ऐसा ही कुछ हाँ कि ना? यस। डायरेक्ट सेलिंग आई किसके कंपटीशन में थी, कोई जवाब देगा? इसको बताया ही जाता था, ये है फैक्ट्री, ये है कस्टमर। बीच की मार्केट को खत्म करके डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्ट करना ही डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है, यही बात है। yes. इसका मतलब सीधे सीधे क्या है कंपटीशन? ट्रेडिशनल मार्केट, यही तो हुआ। yes. यही तो हुआ, लेकिन इस बात को फॉलो किसने किया? किसी ने नहीं। जब ट्रेडिशनल मार्केट है तो ट्रेडिशनल मार्केट से महंगा क्यों? और आज भी इस आइडियोलॉजी पे काम करने वाली कंपनी का नाम है ओके लाइफ केयर। किसने बोला ना, प्लान बदल दी, प्लान आत्मा होती है। अगर प्लान आत्मा होती है तो इसका मतलब दुनिया की सारी कंपनी बॉडी पर काम कर रही है। अपडेशन हर जगह होता है, अपडेशन नहीं करोगे तो आप आउटडेटेड ओ जाओगे। चूल्हे से सिलेंडर अपडेशन, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट किया क्या शुरू में? हेलो, किया ना? आग लग गई तो नहीं नहीं, आज उसी गांव में अगर किसी के घर सिलेंडर तो पता क्या होता है? अरे हमारे घर सिलेंडर है, पता है? हाँ कि ना? yes. आज इस अपडेशन को गर्व से बताते हैं। और अभी तो शहरों में उससे भी बड़ा काम हो गया, पाइपलाइन आ गई है, सिलेंडर उठाने उठाने का झंझट ही खत्म है। yes. खत्म हो गया, भागो अब कहाँ पे जाए,
तो पूछो ये खाली है क्या, तो भरा है क्या, है खत्म है वाली टेंशन। रिचार्ज करो और गैस घर के अंदर आ जाती है। सिलेंडर उठाने उठाने का झंझट खत्म, इधर उठा उधर उठा, किसी को सेट करना नहीं आता, ऐसा भी होता है ना। खैर एक और अपडेशन आया था टॉयलेट वाला, तो बहुत सारे पुराने लोगों ने, और ऐसे जहाँ खाना वहां पे खाना, ये कहावत चली। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, जहाँ खाना बनता है वहीं पे फिर ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी गांव में ना इसे घर से, हमारे घर टॉयलेट है, क्या बोलते हैं, टॉयलेट बना हुआ है हमारे घर में। इस अपडेशन को आज गर्व से बताते, बात बिल्कुल सच है। जब अपडेशन होगा तो कुछ लोगों को समझ आएगा, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, गलत नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हाँ समझने की कोशिश करोगे तो समझ आए। और ओके लाइफ की जैसी कंपनी ने हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर का भला सोचा है, क्या नहीं सोचा? वो कंपनी जो बहुत आराम से, क्योंकि महंगा बेचने का प्रचलन भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर था और अभी भी है, कंपनी को कमाना है तो आराम से जो फिलोसफी चल रही उसी फिलोसफी पे कर कर कमा सकती थी। हाँ जी, किसका हक देखा कंपनी ने? डायरेक्ट सेलिंग का पहला फर्ज है किस कस्टमर को हैप्पी करना। कस्टमर कहाँ हैप्पी है जरा बताइए, चेहरा बनाते थे ना ये वाला, ट्रेडिशनल मार्केट में जो होता है डायरेक्ट सेलिंग वाले क्या बनाते थे, बोला यहाँ हंसता है, बोला यहाँ रोता है, तो डायरेक्ट सेलिंग में मार होता है भाई, क्योंकि इतने महंगे प्रोडक्ट लाता है, पहले बजट बिगाड़ता है अपना, राइट। लेकिन ओके लाइफ केयर के अंदर सच में कस्टमर क्या करता है, साथ में कंसल्टेंसी ऑफर, प्रोडक्ट फिर 20-30% तक डिस्काउंट पे और मिल जाते हैं, हाँ कि ना? इसका मतलब कस्टमर का सबसे पहला पार्ट क्या है, ये है, यही मिलता है कस्टमर को सबसे पहला बेनिफिट। ओके, तो यहाँ पर आज भी हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हमारा प्लान हमारी आत्मा नहीं है। प्लान अगर आत्मा होती तो डीके से डे वन पे ना कहते कि प्लान को अपडेशन की जरूरत पड़ेगी तो हम अपडेट भी करेंगे। ये बात किस किस ने सुनी हुई है, स्टेज पे भी बोली है, कई बार बोली है, राइट। अपडेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है भाई, आपको अपडेट करना पड़ेगा, इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर आउटडेटेड। ओके, हमारी रियल आइडियोलॉजी क्या है, हमारी रियल आत्मा क्या है, डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केट, आज भी बरकरार है कि नहीं? न्यूज दे देती हूँ, SLP में और कई नए प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं जिससे मार्केट में तहलका मचेगा। इस रेट पे लॉन्च होने वाले हैं कि लोग क्या बात कर रहे हो, ये भी इस रेट पे दिया जा सकता है, भाई दिया जा सकता है, सेल बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी ना। ऐसे अभी भी तो बहुत सारी चीजें जो हमारे घर में यूज होती है वो बाहर से आती है, अगर वो ओके में आए तो हम कहाँ से लाएंगे, और अगर वो मार्केट कॉम्पिटिटर रेट पे आ जाए तो, मार्केट से अच्छी क्वालिटी आ जाए तो, साथ में ऐसे ऑफर मिल जाए तो शानदार, कस्टमर हैप्पी। वैसा बाद में आता है, हमारे भारत के अंदर 90% लोग बचत को अपनी आमदनी बोलते हैं भाई, हाँ कि ना? भारत में 90% लोग आज भी बचत को क्या बोलते हैं, आमदनी। इसलिए पेटीएम जब आया उसने कैशबैक देना शुरू किया, अपन ने भर भर के, मैंने भी गूगल पे से कमाए हैं 400-500 रुपए, कभी 5 रुपए, कभी 7 रुपए, कभी 8 रुपए, मेरे को भी आए हैं कैशबैक, आप लोग को भी आए हैं, आए हैं ना, आज भी बताता है कि अभी तक आप इतने रुपए कमा चुके हो, वो अपन कमाई मानते हैं, जबकि वो कैशबैक है, बचत है। सेम ऐसे ही ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये क्या है, किसी डायरेक्ट सेलर में, कोई डायरेक्ट सेलर बने या ना बने, किसी की बचत है। भारत में 138 करोड़ जनसंख्या को डायरेक्ट सेलर बना सकते हो या कस्टमर, वेरी। तो हमारी आइडियोलॉजी आज भी वही है, हमारी आत्मा आज भी वही। ओके, और प्लान किसी की आत्मा नहीं होती, अगर प्लान आत्मा होती पापी की बात बड़ी कर देते, फिर तो हर कोई बॉडी पे चल रहा है, क्योंकि हर कोई अपडेट हो चुका है, आपके कहने से कुछ नहीं होता भाई। खैर नाउ ओके लाइफ केयर, 7 इनकम से कितनी इनकम पे आ गई, 11। CRF भी साइड में दे रखा है, रिटेल प्रॉफिट को समझाने की आवश्यकता नहीं है। सेल होगी तो पैसा आएगा, सेल कहाँ होगी, जहाँ ट्रेडिशनल से रेट पर टक्कर दोगे, जहाँ आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्लान ना दिखाना पड़े, वही प्रोडक्ट सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आपको प्रोडक्ट दिखाकर
प्रोडक्ट में दम नहीं। आपको अपॉर्चुनिटी दिखाकर अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ रहा है। और अगर आपका प्लान या आपके प्रोडक्ट इसी तरीके से चलते हैं तो आप बहुत बड़ा नहीं कर पाओगे। गॉट माय पॉइंट? समझ गए कि नहीं? लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट बिना प्लान दिखाए बिक जाए तो सच में आप एक जेन्युइन शानदार बेहतरीन कंपनी के साथ हैं। क्या इसे गर्व से कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट हमारा बिना प्लान दिखाए बिक जाता है? yes. इसे लोग हाथ उठा सकते हैं, हाँ ये सच है। yes. भाई कर दो जरा, 100% वोटिंग है। yes. 100% वोटिंग है। yes. अरे भरे सेमिनार में भी पूछ लेना, ये वोटिंग है। लेकिन क्या करें, ओके के कॉम्पिटिटर हो तो आपको बात समझ नहीं आएगी। क्या नाउ दूसरी इनकम परफॉर्मेंस बोनस, ये क्या है? 1 BV से 2500 BV अगर आपका होता है तो आपका लेवल है 3%। क्या है? 2501 से 4999 है तो आपका लेवल हो गया 4%। 5000 एंड अबव आपने किया तो आपका लेवल क्या हो गया? ये लेवल समझ में आता है? Yes. अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी 3% है। अभी आपने बोला मैं 500 बिजनेस वॉल्यूम तक कर लेता हूँ, तो आपका लेवल क्या हो गया भैया? 3%। खुद की खरीदारी का कितना आ जाएगा? 3%। 5 दिया ₹15 अकाउंट में। अच्छा, बहुत सारी कंपनी ऐसी है बोला जी 100 से ऊपर ट्रांसफर होता है, उससे नीचे ट्रांसफर नहीं होता। मैं आपको बता दूं, ओके लाइफ केयर में 1 रुपया बनता है तो भी ट्रांसफर होता है। उन लोगों को बताना चाहूंगी जो ये बोलते हैं 100 से ऊपर नहीं होता, गवर्नमेंट ये और वो और वो। हाँ। भाई 1 रुपया जब आप गूगल पे से कमाते हो तो आपके अकाउंट में कैसे आता है बता दो। बस आता है ना अकाउंट के अंदर? आता है कि नहीं आता है? कैशबैक कुछ होता है तुम्हारे अकाउंट में आता है ना? छोड़ो, आप किसी के बैंक में 1 रुपया डालना चाहो तो डाल सकते हो ना? हाँ, ये बोलिए कि हर ट्रांजेक्शन में कुछ चार्जेस होते हैं तो कुछ कंपनियां लिमिट लगा देती है। राइट, अपने ओके में पहले भी ट्रांसफर हुए हैं और आज भी ट्रांसफर होते हैं। बस KYC कर लेना टाइम पे, IFSC कोड डाल लेना टाइम पे। KYC नहीं होगी तो नहीं आता है भाई, कहाँ डालेगा? हवा में थोड़े भेजेगी हमने पैसा। KYC तो करोगे ना, किस बैंक में डालना है उसकी डिटेलिंग सही भरोगे। ओके नाउ इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो तीसरी इनकम है फ्लैक्सी बोनस। ये क्या है? सी बोनस। फ्लैक्सी बोनस भी डाला कंपनी है अप टू 6%। फ्लैक्सी बोनस इज जस्ट लाइक अ परफॉर्मेंस बोनस। जस्ट लाइक अ परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है? खुद की खरीदारी का पूरा और नीचे का डिफरेंशियल, यही तो होता है। फ्लैक्सी बोनस भी जस्ट लाइक अ परफॉर्मेंस, खुद की खरीदारी का पूरा नीचे का डिफरेंशियल। लेकिन इसके 3 पार्ट बनाए कंपनी ने। ए, अगर आपने कंडीशन दी 6% और 5% तो आपका लेवल हो गया 2। जैसे यहाँ पे था ना 3, 4, 6, ऐसे यहाँ पर पहला टारगेट क्या है? 6 और 4। एक तरफ जो टीम है आपकी उसको 6% लेवल पर ले जाओ। 6% लेवल पे कैसे जाएगी टीम? 5000 से ज्यादा बीबी होगा तो 1,00,000 चली गई। दूसरी टीम क्या जानी चाहिए? 4%। 4 कब जाएगी? 2500 से 4000 नहीं जाएगी या इससे ऊपर। समझ में आ रहा है? मिनिमम कितना चाहिए? 4, यानी 2500 से ऊपर एक बीबी होगा तो ये लग क्या हो जाएगी? 4%। अगर ऐसा होता है तो पूरे टर्नओवर का कितना मिलेगा आपको? 2%। और क्वालिफाई लग से डिफरेंशियल। समझ में आ गया? दूसरा है 4%, ये क्या है? इधर दे दिया आपने 6%, दूसरी टीम में भी 6। आपकी इच्छा है तो करो, नहीं इच्छा है तो एंजॉय योर ओल्ड। 4% तो आपको टोटल टर्नओवर का क्या मिल जाएगा? 4%। 1,00,000 दूसरी लैग 6, तीसरी लैग 4। तो आपका लेवल क्या हो जाएगा फ्लैगशिप का? जैसे यहाँ 4 था, यहाँ 4 हो जाएगा आपका भी। तीसरा क्या है? पहली टीम से 6%, दूसरी टीम से भी 6%, तीसरी टीम से भी 6% और चौथी टीम से 4%। तो आपको इंटायर टर्नओवर का क्या मिलेगा? 6%। अब इसे एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है? इस फ्लैगशिप का एग्जांपल से समझना, ओल्ड वर्सेस न्यू करेंगे, ठीक है? जून का पूरा बोर्ड दिख रहा है। अब फ्लैगशिप ए कोई क्वालिफाई करना चाहता है तो उसे क्या करना है? एक टीम में 6%, दूसरी टीम में, यही तो करना है या कुछ और? यही करना है। डन। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ये है मिस्टर सैम। मिस्टर सैम ने 500 बीवी खुद की आईडी पर किया
दूसरी टीम को 5000 वीवी पर ले गए और पहली टीम को 5000 और दूसरी टीम को मिस्टर सैम क्वालिफाई हो गए क्या? कंडीशन क्या थी? एक टीम 6%, दूसरी टीम मिस्टर सैम ने क्या किया? 500 बीबी खुद पर, एक टीम को 5000 ले गए यानी 6% लेवल हो गया, दूसरी टीम को 2501 यानी 4% लेवल हो गया, यानी इसका 2% लेवल आ गया कि नहीं आया? आया। अब इनकम कैसे बनी क्यों उसे समझा रही हूँ। नाउ सबसे पहले प्लान 1.0 में क्या बनता है, इसको इस कंडीशन में एक पॉइंट बनता है एक्टिव बोनस का, हाँ कि ना? ये नया बंदा है, 200 रुपए आ जाते हैं, और एक बनता सीआरएफ का पॉइंट, 100 रुपए आ जाते हैं, यानी लगभग राउंड फिगर 300 प्लस माइनस, यही आता। Yes. अभी नए वाले प्लान में, प्लान 2.0 जो ये है, ये तो आएगा ही आएगा, ये आएगा ही आएगा। Yes. अब और एक्स्ट्रा क्या आएगा वो समझो। पहला आएगा परफॉर्मेंस बोनस, क्या आएगा? बोनस कैसे निकालते हैं? पहले इसका टोटल टर्नओवर होता है, शैम का क्या है? 8000 बीवी, 8000 बीवी के कारण शैम का खुद का लेवल क्या परफॉर्मेंस बोनस वाला? ठीक, तो इसका मतलब जो इसने सेल्फ पे खरीदारी की है 500 बीवी, उसका कितना परसेंट आएगा इसके घर? 30 रुपया। इसको टीम ए से कितना आएगा? टीम ए में कितना बीवी है? शैम का खुद का लेवल क्या है? टीम ए का लेवल क्या है? 6 - 6 = 0, तो यहाँ से 0 जाएगा। टीम बी कितना बीवी है? राउंड फिगर 2500 कर ले। शैम का खुद का लेवल क्या है? टीम बी का लेवल क्या है? यानी 2% कितना हो गया? यानी 80 रुपए से परफॉर्मेंस बोनस के आ जाएंगे। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। यस। 300 तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये इनकम जो परफॉर्म बोनस अभी तक नहीं थी आपके प्लान में, जो दूसरी इनकम थी, उसके भी इस बंदे को 80 रुपए आ गए। परफॉर्मेंस बोनस के 80 रुपए आ जाएंगे। मैंने साथ में बोला ये फ्लैगशिप का कौन सा लेवल क्वालिफाई कर गया? 2%, याद है? फ्लैगशिप ए 2% कितना हुआ? 8000 बीवी है ना, टोटल टर्नओवर कितना है इसका? 2% 160। टोटल इनकम कितनी हो गई? 240 और 300, 500। अभी कितने आ रहे हैं? प्लान बढ़िया हुआ। और इसने आपके एक सवाल को और खत्म किया। सवाल नंबर एक, खुद की खरीदारी पर क्या आएगा? खुद की खरीदारी पर इसको आया था ना, मोहम्मद बोनस के कारण आ गया ना। इतना सही रेट, इतने शानदार ऑफर, कंसेंसी ऑफर, उसके बाद खरीदारी पर वापसी, ये तो भाई सोने पे सुहागा, आप कौन टक्कर लेगा? पहले तो रेट पे टक्कर नहीं ले पाते थे लोग, क्वालिटी पे ही टक्कर नहीं ले पाते थे लोग, अभी तो कैशबैक भी आ गया। कस्टमर किसका? देखिए कई बार होता है कि हर एक व्यक्ति 2500 भी नहीं कर पाता, 500 ही हो गया उसका या 1000 ही हो जाता था, हाँ कि ना? Yes. अभी इतना भी होगा तो भी पैसा आएगा, बताओ बढ़िया हुआ कि नहीं? बढ़िया। जितना होगा उसका आएगा, तो पैसा आना ही आना है। बॉटम पर इतना खूबसूरत कर दिया है, यानी बॉटम के कमाने के दिन आए। क्या आए हैं? कमाने के दिन आए, कमाओ। नाउ अभी दूसरा सवाल, 5000 2500 हो गया तो लेना भाई, 300 की जगह कितने आ रहे हैं? 550 प्लस माइनस, ठीक है, 20 रुपए 30 रुपए प्लस माइनस मान के चलो। बढ़िया है? Yes. बढ़िया है? Yes. मजा आया? Yes. फ्लैक्सी पे समझ में आई? Yes. फ्लैक्सी पे से क्या समझ में आ रहा है? जो 2500 2500 कर रहा है, सर मेरी क्लोजिंग हो गई, 2500 लेफ्ट हो गया, 2500 राइट, क्लोजिंग हो गई। अभी आपके पास मौका है, क्या मौका है? 5000 इधर, 2500 इधर कराओ। जो बंदा 2500 2500 करके बैठ गया है, उससे 5000 2500 कराने का मौका, इससे उसको भी फायदा हो रहा है, ठीक है। प्लस वो जो एक एक बीवी गिनती, 2500 ही डालू,
अभी 2600 भी डाला तो क्या दिक्कत है, उसको पूरे टर्नओवर का क्या मिल रहा है, 2% मिल रहा है ना, परफॉर्मेंस बोनस का भी तो मिल रहा है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो बीबी एक्स्ट्रा भी आ रहा है तो उसका परसेंटेज मिल गया, यानी बॉटम पर परसेंटेज देकर इनकम देगी, राइट। फ्लैगशिप ए किस किस को समझ में आया बताओ। कोई बात नहीं, ये समझ में आया, इनकम बढ़ गई, बस ठीक है। ये समझ में आया 5,000-2,500 का भी इनकम आएगी, गुड। ये समझ में आया 2,500 नहीं हुआ तो भी इनकम आएगी, ये समझ आ रहे। चलो फ्लैगशिप बी, ये क्या है, एक टीम में कितना देना था, 6%, दूसरी में 6, तीसरी में 6% का मतलब 5,000 एंड अबव 2,501 एंड अबव 2,501 एंड, ये 5 भी हो गया तो भी चलेगा, आएगा। ओके नाउ ओल्ड में क्या आता, इस कंडीशन में, यानी इसका टोटल टर्नओवर कितना हुआ, जरा ये लो 13,000 बीवी, 13,000 बीवी पर कितने पॉइंट बनाएगा बंदा, डालो बराबर बराबर भी डालो, दो पॉइंट से ज्यादा बना ही नहीं सकते, राइट। क्या तो दो एक्टिव बोनस कितने आ जाएंगे, क्या क्योंकि 500 खुद भी किया तो इसमें सीआरएफ भी आ जाएगा, 200 कितने रुपए आ गए, अब ये 1200 बन जाए तो, हेलो अब ये 1200 बन जाए तो बढ़िया, देखो कैसे बनते हैं, ये वाला तो आएगा ही आएगा, ये तो प्लान में है ना, और सीआरएफ भी है तो ये तो आ जाएगा इसको प्लान में। अब नए और ऐड क्या हुआ, पहला हुआ परफॉर्मेंस बोनस, पवन बोनस के कितने आ जाएंगे, इससे आएगा नहीं भाई, आप भी 6 ये भी 6, बात समझ मारी दीदी, आप भी 6 ये भी 6, आप 6 ये 4, तो इससे 2% आ जाएगा, समझ गए, तो 2500 का 2% लगभग 50 रुपए हो, और खुद की खरीदारी का 6%, खुद का पूरा आता है, नीचे का डिफरेंशियल आता है। ओके तो लगभग 80 रुपए आ जाएंगे। फ्लेक्सिबल बोनस कितना आएगा, यहाँ पर इसका लेवल आ गया 4% फ्लैगशिप का, 540 कितने रुपए हो गए, 540 13,000 का 4% कितना हुआ, 520 600 और पुराने वाले 600 कितने हो गए, बजा दो ताली, कितना हो गई ना डबल, बोला था ना बॉटम पे पैसा बट रहा है, अपडेटेड प्लान में बॉटम का बहुत ख्याल रखा और बड़ी समझदारी से डिफरेंशियल कमीशन को रखकर आपको आमदनी दी गई, समझ में आ रहा है। चलो आओ चलते हैं फ्लैगशिप सी, फ्लैगशिप के 3 पार्ट थे, राइट, ए बी और सी, ए पे क्या था 2%, बी पे क्या है 4%, और सी पे क्या है, और इसकी कंडीशन पता है ना, ए बी सी की, सी की कंडीशन समझो, 6, 6, 6, 4, इच्छा है करो, नहीं करना है मत करो, समझ में आ रहा है। 5,000 यहाँ पे होगा, 5, 5 और 2,500 और खुद के 500, टोटल बीवी कितना किया भाई ने, 18,000 पे कितने पॉइंट बनाते पुराने प्लान में, 3। अच्छा कंपनी ने ये नहीं बोला कि अगर आप ये नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी भाई, 5,000 के अकॉर्डिंग जो पैसे बन रहे कौन से वाले, एक्टिव बोनस कंसेंसी वो आएगा, लेकिन ये और कर दिया तो आपको क्या इनकम और एड होगी वो बता दे, ठीक है। 3 एक्टिव बोनस के कितने रुपए आ जाएंगे, 600 और 3 कोरोना रिलीफ फंड के, मैम 2, यानी कितने रुपए आ जाएंगे, मैम एक्टिव बोनस 2 बनेगा ना, मैंने 18,000 ले लिया ना, मान लो 18,000 बीवी दे दो, पुराने प्लान का, पुराना प्लान में 18,000 में डालती, परफेक्ट मैचिंग करती तो आ जाता ना। चलो अब नए वाले पे ले लेते हैं,
नए वाले में ये 2 पॉइंट बन जाएंगे एक्टिव बोनस के। यस 600 रुपए आ गए किसके एक्टिव बोनस के। सीआरएफ के कितने आ गए 800 ये हो गए प्लस माइनस। ठीक है ठीक है चलो नहीं ये 600 नहीं 400 होगा ना 600 आएगा 600 प्लस माइनस। नाउ लो परफॉर्मेंस बोनस 80 रुपए आ जाएगा इससे आएगा नहीं 6 माइनस 6 जीरो 6 6 0 6 6 0 इससे आ जाएगा 80। फ्लेक्सी बोनस उठाओ सीआरएफ जोड़ दिया ना भैया 200 दो नए वाले में सीआरएफ आ गया 200 सीआरएफ है ना 200 एक्टिव बोनस 400 परफॉर्म बोनस 80 फ्लेक्सी कितना होगा 1100 18000 का जोड़ो 6% कितना हो गया 1110 1080 प्लस 80 प्लस 600 कितना हो गया लगभग 1800 के आसपास लगभग राउंड फिगर 1700 कुछ के आसपास राउंड फिगर प्लस माइनस कर ले बाई डबल हो गई इनकम। अब मुझे बताओ प्लान अच्छा हुआ कि बढ़िया बढ़िया सुन लिया करो मैंने क्या बोला है। तो सीआरएफ कंपनी ने रिफंड दिया है वो मिल जाता है सीआरएफ हटा दो बाकी सारा आएगा सारा आएगा फ्लेक्सी वगैरह सब आएगा सब आएगा क्या आएगा सब आएगा। ठीक है खुद की नहीं भी करोगे तो आएगा। ओके मैम इसमें अभी कंसेंसी तो जोड़ी नहीं बाबू पहले ये जोड़ा ना कि मान लो कोई नया नया आए तो कंसेंसी 3 महीने बाद आती है ना। हाँ वो तो है 3 महीने पहले दिन थोड़े आती है जी उसको जोड़ लेना कंसेंसी को भी जोड़ लेना। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप क्लियर यस फ्लैगशिप की कंडीशन 2% वाली क्या है एक तरफ 6% दूसरी तरफ 4% वाली कंडीशन क्या है एक तरफ छह और 6% की कंडीशन क्या है 6 6 6 4। इन शॉर्ट ये समझो कि अगर आप फ्लैगशिप क्वालिफाई करते हो तो जो इनकम आपको पहले आ रही थी उससे डबल आ जाती है। इतना समझा इतना समझ में आया yes. पक्का डन yes. तीसरी इनकम क्या है हमारी ये तीसरी फ्लैक्सी थी चौथी क्या है एक्टिव बोनस कोई डाउट एक्टिव बोनस में नो कोई डाउट नो। पांचवी इनकम ये किस पे आती है 2500 पे आती है वो एजेटिव आएगी कंपनी ने ये नहीं बोला तीसरा नहीं खोलोगे तो एक्टिव बोनस नहीं दूंगी ये बोला नो ये बोला तो फिर कैसे कह सकते हो अब 3 का प्लान हो गया कि 4 का प्लान हो गया क्या 3-4 के प्लान नहीं देखे देखिए है ना तीसरे में इतना नहीं किया तो बाकी दो की नहीं आएगी इसे बोलते तीसरी लैक का प्लान। चौथी में इतना नहीं किया तो नहीं आएगा तो ये 2 का नहीं आएगा उसको बोलते 4 लैक का प्लान। तुमने तो ये बोला ये मिलेगा मिलेगा जो परफॉर्मर है उसे करके डबल लेने दो ना तुम्हें क्या दिक्कत कोई डबल लेना चाहता है तो उसे लेने देना चाहिए कि नहीं लेने दो मुद्दा तो पैसा है वो लेना चाहता लेने दो। हाँ कंपनी गलत होती पता कब बोला ये 2 का तब दूंगी जब तीसरा ये तो यार तुम जबरदस्ती कर रहे हो बात समझ आ रहा है सही बात ये किया ये कहा क्या नहीं कहा ना नो फ्लेक्सिव आपके प्लान करने ड्राइवर है पता दूसरा तीसरा कंसेंसी बोनस क्लियर है बिजनेस बिल्डिंग फंड आएगा ये तो जान है हमारे प्लान की क्या है जान 25,000 बीवी लेफ्ट 25,000 बीवी राइट कितना आएगा 10,000 एक बिजनेस बिल्डिंग फंड मिलेगा जिसकी पॉइंट वैल्यू 7,000 प्लस इस महीने तो बहुत ज्यादा जाएगी इसके अलावा उस पर एक्टिव बोनस भी आ जाएगा ना दीदी 10
आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। देखो पहुंच गई इनकम। हम बार बार क्या बोल रहे थे, 8 से 10 हजार, 8 अकेले यही आ जाएगा इतना तो। बाकी एक्टिव बोनस अलग, परफॉर्मेंस बोनस खुद की खरीदारी का होगा ना, फ्लैगशिप बोनस क्वालिफाई कर रखा होगा तो आ जाएगा, जो साथ में फ्लैगशिप और कर लिया तो उसके तो बल्ले बल्ले हैं। समझ गए? टर्नओवर का परसेंटेज भी आएगा, मजेदार इनकम आने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है जब मैं मजाक में कहती हूँ, जब किसी के घर ना चटनी रोटी का इंतजाम हो जाता है तो उस घर पनीर के सपने आ जाते हैं। जब आपका सर्वाइवल निकलने लगता है तो ड्रीम इनकम भी आप प्लान करने लगते हो। लेकिन सर्वाइवल ही निकलो यार, इतना तो मिल जाए पहले, इतना तो मिल जाए पहले, इतना तो मिल जाए पहले। कई बार जब हम बात करते हैं ना, सोनम जी को इतना आता है, हाँ पिछले 18 महीने से 7 फिगर पे आउट। सोचो अभी किसी नए को बात करोगे, बोला यार क्या पागल बात है, मेरे को जिंदगी के 40 साल हो गए काम करते करते, अद हो गई यार 1 लाख तो पे आउट नहीं आता हम लोग का सैलरी में। कई बार होते बहुत सारे लोग ऐसे, कैसी बात करते हो यार, 7 फिगर कम होता है क्या, देख झूठ बोल रहे हो। लेकिन इट इज पॉसिबल, क्या इट इज पॉसिबल इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लेकिन ये तब जब आपको सर्वाइवल आएगा, जैसे मुझे इस इंडस्ट्री में लगभग 11 साल हो गए, लेकिन मैं दूसरे साल से सर्वाइवल निकालने लगी थी। क्या दूसरे साल से सर्वाइवल क्या होता है, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, मेरा हाईएस्ट 30,000 था। पहले 5 साल में क्या था मेरा हाईएस्ट, लेकिन 8-10 हजार आ जाता था तो मेरा पेट्रोल वेट्रोल का मैं निकाल लेती थी। 5 हजार भी आता था तो भी पेट्रोल निकल जाता था, मैं 2011 की बात कर रही हूँ। 8-10 हजार में तो मैं बचा लेती थी, कमेटी डालती थी। हाँ सच में बहुत सारी चीजें ली है मैंने कमेटी डालती ना, छोटी 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 चीजें तो बचा लेती थी। और मेरा बिजनेस 70 किलोमीटर के दायरे में ही था तो स्कूटी से हो जाता था तो उसमें बचा भी लेती थी। मुझे दूध का बिल देना नहीं, बिजली का बिल देना नहीं, घर का रेंट देना नहीं, राशन लाना नहीं, तो बचा क्या, मैं और मेरा पेट्रोल स्कूटी में। हाँ मेरा भी पेट्रोल बाहर से खाते पीते थे बस, वो तो भी बच जाता। तो मुझे ऐसा लगता है जब 8-10 हजार आएगा ना तो सर्वाइवल आ जाएगा, सर्वाइवल आएगा तो टिक जाओगे। तो जब मुझे 8-10 हजार आने लगा तो मेरे पेरेंट्स ने मतलब मुझे खींचा नहीं बिजनेस में से, और पढ़ाई मैं कर ही रही थी तो उन्होंने खींचा ही नहीं कि नहीं नहीं तू मत कर, ठीक है पढ़ाई भी कर रही है साथ में, 8-10 हजार, 15 हजार, 12 हजार आ जाते हैं, ठीक है बेटा गुड वेरी गुड। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर 8-10 हजार नहीं आते और मैं रोज 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए पेट्रोल के मांगती रहती तो मेरे फैमिली वाले बैठ जाए अम्मा घर बैठ, कमाने नहीं जाना कहीं, बैठो। टिकटे भी निकालते थे उसमें मकरी ना, टिकटे भी वहां पे खर्च होती थी सीखने के लिए, टिकटे लगती थी। तो हमने पेरेंट्स से अगर मांगते रहते तो हमारे पेरेंट्स हमें घर बैठा देते। तो मेरा मानना ये है इतिहास बनाने के लिए पहले टिकना पड़ेगा, और टिकने के लिए सर्वाइवल सर्वोपरि है। और आज भगवान की कृपा से इतने शानदार प्रोडक्ट, रेट, क्वालिटी, रेंज ऑफ प्रोडक्ट के साथ 25-25 हजार रुपए पे 10 हजार रुपए का इनकम देने वाली हम पहली कंपनी है। सर्वाइवल आएगा तो नेटवर्कर टिकेगा, नेटवर्कर टिकेगा तो फिर नेटवर्कर इतिहास भी बनाएगा। इतिहास बनाने के लिए तैयार हो? Yes. उसके लिए खर्चे की इनकम निकालनी जरूरी है, निकाल लो फिर खुद ही नहीं निकलोगे इस बिजनेस में से, भले 2 साल लगे फिर 3 साल लगे और 4 साल लगे नहीं निकल पाओगे। राइट नाउ सातवें इनकम, सुपर फ्लैगशिप सुपर एक्टिव बोनस क्लियर है, कार फंड क्लियर है, हाउस फंड क्लियर है। अब सवाल है, अच्छा हाउस फंड में एक चीज और है कि सीआरएफ, सीआरएफ कहाँ कहाँ पे डाला हुआ है, एक्टिव बोनस पे 2%, सुपर एक्टिव पे 2%, कार फंड पर 2%, और अभी तक हाउस फंड पे नहीं था उसको कितना डाल दिया, ठीक है नाउ। और 1-1 लाख पर और 3-3 लाख वाला वो पहले से ही है। अभी एग्जांपल लेते हैं, ये सुपर फ्लेक्सी मेगा फ्लेक्सी बोनस, ये क्या चिड़िया का नाम है भाई? तो भाई ये जिस चिड़िया का नाम है वो चिड़िया को जब आप देखोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। हमारे प्लान में क्या है, पुराने वाले में 50,000 बीवी करने के बाद बंदे के 2 लक्ष्य बनते हैं, जिसने पहली बार 50,000 कर दिया। लक्ष्य नंबर 1, इस 50,000 को वो कंटिन्यू करे कार फंड और हाउस फंड पे जाए। कितने लोग मेरी बात से सहमत है?
यही लक्ष्य होता है कि 50,000 को कंटिन्यू करे, कार फंड और हाउस फंड पे चले जाए। लक्ष्य नंबर टू, भाई तभी तो इनकम बढ़ेगी। लक्ष्य नंबर टू, 50,000 को डबल कर दे, यानी लाख लाख कर ले, या 1.5 लाख करे, या 2 लाख करे, ऐसा ही है कुछ। ऐसा ही है कुछ। अगर उसमें एक तीसरी चीज और मिल जाए इनकम बढ़ाने के लिए, तो इस दो ऑप्शन के अलावा तो इनकम बढ़ाने का ऑप्शन ही है ना। हाउस फंड पे आ गई, ये भी खत्म हो जाएगा। अब कैसे इनकम बढ़ेगी? या तो व्यापार को डबल, यानी 50,000 का ग्रोथ दे, या फिर 50 कर रखा था आपने, या भी 50 कर रखा है, 10,000 और कर लो, यानी कितना बीवी, 1,10,000, 1,10,000 पुराने प्लान में डालो, कितनी इनकम आएगी? 15,000, 11 लेकर 15,000, नए वाले में डालो, अकेले इसी फंड की कीमत 3 से 5, जो इस महीने और ज्यादा जाएगी। बताओ मुझे कैसा है? बहुत बढ़िया। बताओ, ओके है, हम ऐसे नहीं बोला था, मार्केट बदल देंगे हम, समझ में आ रहा है? इनकम बढ़ा दी, इनकम बढ़ा दी। और जब जब प्लान को अपग्रेड होने की आवश्यकता पड़ेगी ना, हम एक ऐसी कंपनी होंगे जो हमेशा इनकम बढ़ाएंगे टीम की। बात समझ में आ रही है? क्योंकि महंगाई दर के अकॉर्डिंग पे आउट बढ़ना चाहिए। बढ़ा दिया कंपनी ने, मजे आ गए। चल तो सुपर पैसिव क्या है? अच्छा एक चीज और, आपकी इच्छा है तो, मान लो आपकी इच्छा है नहीं करना, ये 10,000 मत करो, आपको जो मिल रहा है वो तो मिलेगा ही ना। कंपनी ने ये तो नहीं बोला तीसरा खोलना ही खोलना है, 10,000 करना ही करना है, नहीं तो तुम्हारी ये दोनों लेग की इनकम नहीं आएगी, तुम्हारी इनकम जीरो हो जाएगी, या तुम्हारी इनकम पहले से कम हो, ये कहा क्या? नहीं। तो फिर काय को गया भैया तीसरा लेग का प्लान? कंपनी बोला करना है तो कर लो, कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 15,000 22 से 25 चला जाएगा, प्लस माइनस पॉइंट वैल्यू में निकलती है ना इनकम। मैं कहती हूँ 20 भी रहेगा, कम है क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा किसी ने बोला मेरी तीसरी बड़ी हो गई, तो बोला तीसरी बड़ी हो गई तो तीसरी तेरी पहली मानी जाएगी। अभी तो यही होता था। मान लो एक एग्जांपल, आपके टीम ए में कम बिजनेस है, टीम बी में ज्यादा बिजनेस है, क्लोजिंग के बाद क्या होता है? बड़ी लेग को टीम ए माना जाता है, ये तो आज भी माना जाता है सॉफ्टवेयर में, पहले भी माना जाता था, अभी भी मानेंगे, टीम ए टीम बी सी टीम सी। तो क्या होता है भाई, जिसपे तुम ध्यान दे रहे हो वो बड़ी ही नहीं हुई, जिस पे कम ध्यान दे रहे हो वो ज्यादा बड़ी हो गई। भाई बड़े धन्य हो यार। चलो मान लो ऐसा हो भी जाता है, तो तुम्हारी जो बड़ी लेग है वो टीम ए है। ऐसा नहीं है जो मैंने तीसरा खोला वो मेरी तीसरी है, जो सबसे बड़ी है वो क्या मानी जाएगी? टीम ए। जो उससे छोटी है वो क्या मानी जाएगी? टीम बी। जो उससे छोटी है वो क्या मानी जाएगी? अगेन तुम्हारी इच्छा है सी खोलना है कि नहीं, सी नहीं खोलोगे तो जो पहले आ रहा था वो आएगा ही आएगा, खोल लोगे तो। बस समझ में आई? बस समझ में आई। मेगा सुपर फ्लेक्सिप क्या है? क्या करना है सुपर फ्लेक्सिप के पास? मैं परफॉर्मर हूँ, मैं कर ले। बोला नहीं कि मैं जो टीम बिल्डिंग ही करना जानता हूँ तो टीम बिल्डिंग ही कर ले, राइट। पांचवा मेगा फ्लेक्सिप बोनस, ये क्या है? 50, 20 और 10। इस कंडीशन में क्या होगा? अभी मान लो 1,30,000 बीवी आया ना टोटल जी, 1,30,000 बीवी को पहले प्लान में डालो, कितनी इनकम आ जाएगी? 2,000 रुपए और आएंगे, 16-17,000, 1,000 के आसपास इधर आएगा। अब समझो यहाँ कितना आएगा, अब बताओ। कोई लेना चाहता है तो ले, नहीं लेना चाहता तो मतलब हमने ये थोड़े बोला ये तू खोलेगा तो ही तुझे ये वाले दूंगी, वरना मैं ऐसा बोला कहीं लिखा है फिर? लेकिन अब ये समझो, जो इसे 25-30,000 करने के लिए लाख लाख करना पड़ता, लाख लाख का मतलब समझ रहे हो, 50-50 यानी लाख बीवी देना पड़ता, वो 30,000 में ही आ गया। मुझे बताओ लाख आसान है कि 30? तो जो करना चाहता होगा 30 देके कर लेगा,
लेकिन जो चाहता है जी लाख लाख करो, लाख लाख के लिए कौन सा तेरे पुराने ऑप्शन बंद कर दिए भाई, पुराना गेट खुला है। नए वाले से क्या है जी, 4 किलोमीटर कम हो गया, घर से निकल जा तो 4 किलोमीटर कम चलना पड़ेगा, राइट। खैर ये वाले समझ में आया कि नहीं आया, ये इसके मल्टीपल पे बढ़ेगी, ओके क्लियर। अब बड़ी बात समझो, करना क्या है, एलडीपी किसी को पता है? 5 5 5 यानी और खुद क्या 500 यानी 18,000 बीवी। पहली बात तो 5 साल में पहली बार एलडीपी इस ऑफर पे आई है, 18,000 बीवी पर एलडीपी मिलेगा। एलडीपी मतलब 3 days 2 night ट्रेनिंग, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बंदे को 1800 प्लस माइनस इनकम भी आ जाएगी, 3 दिन 2 रात की ब्रेन स्पूडिंग भी मिल गई। मैं इसको क्यों बोलती हूँ समझना, मेरा ये मानना है कि हमने सीख कर बाल का डिजाइन बनाना सीखा, मैंने भी चूड़ा बनाना सीखा हूँ, खुल गया है। आप लोगों ने साड़ी पहननी सीखी होगी, प्लेटे आ जाती है क्या पहली बार में? नहीं आती। चश्मा पहनना बच्चे को पहनवाओ, उल्टा सीधा पहनेगा, लेकिन सीख गया, सीख गया। खाना बनाना महिलाएं यहाँ पे बहुत सारी पैदा होते ही सीख के आए थे हम। गोल रोटी तो अपन ने पहली बार बनाई थी और गोल बन गई, पता नहीं कितने नक्शे बने थे। साइकिल तो हम ऐसे चढ़े और उसके बाद चलाने लगे, ऐसा हुआ था बाइक के साथ। कितनी बार तो बंद हुई थी शुरू करने से पहले वाला, ऐसी होता है, क्लच ब्रेक ही लगाना नहीं आता अपने को है। कार के साथ स्टार्ट ही नहीं होती पहली बार, तो स्टार्ट हुई रेस भी बंद, ऐसा ही होता है। Yes. उसके बाद ऐसे अलर्ट होके चलाते हैं, सबसे पहले तो पूछो मत, बंदा उतनी दूर है अपन पहले ही रोक लेते हैं और वो बंदा आ गया हाँ ऐसा ही है। लेकिन अपन सहज सीख गए। इन शॉर्ट अगर हम कोई भी काम करना सीखेंगे तो हम सीख सकते हैं। सेम ऐसी कोई अमीर बनाना सिखाएगा तो हम सीख नहीं सकते? सीख सकते हैं। हेलो, सीख जाएंगे। लेकिन आज तक किसी ने बताया नहीं कि अमीर बनते कैसे। सच सच बताओ, मुझे 12वीं का एग्जाम देने के बाद बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मुझे अमीर कैसे बनना ये सीखने लगी। मैं सच बता रही हूँ, मेरा किचन से दिमाग हट गया, मेरा झाड़ू पोछे से दिमाग हट गया, मेरा बाकी सारी चीजों दिमाग बड़ा पीछे साइड करो। जब इंसान पैसा बनाना सीख सकता है तो इसको क्यों सीखना, जरूरत है क्या? बनाना आना चाहिए अलग बात है, लेकिन अगर आपको पैसा आता है ना तो इटालियन सेफ, जर्मनी सेफ, चाइनीज सेफ, हम सारे सेफ रखे, आज इटालियन खाने का मन है, इटालियन बना के लाओ। तो कभी हमारा मन करेगा तो अपन भी कारस्तानी कर लेंगे यूट्यूब पर वीडियो देख के। अरे छोड़ो, अपने हाथ से बनाने का मत करना, तू यही खड़े हो सिखा मुझे, हो सकता है कि नहीं? Yes. खामा खबर है, नहीं नहीं अपने हाथ का खाना तो अपना ही होता। अबे आधी से ज्यादा महिला परेशान है कि मेरी ड्यूटी लग गई है, इसलिए आज की डेट की नई नई जो बहू है बोला हफ्ते में एक दिन तो बाहर ही जाए, एक दिन तो बर्डन कम होगा। बात भी सही है, मीन्स कोई भी चीज ना अपन शौक से करें, मजबूरी में मेरा मन करे ना तो मैं चली जाऊं किसी दिन स्कूटी या बाइक पर, लेकिन मजबूरी में स्कूटी बाइक नहीं। बात समझ आ रहा है? तो अगर कोई अमीर बनाना सिखा सकता है तो सीखना चाहिए कि नहीं? अभी अमीर अलग होते हैं क्या, इनकी 4 आंखें हैं, 4 कान होंगे, ज्यादा सुनते होंगे, हाँ 32 की जगह 38, 45, 36 दांत होंगे, राक्षस थोड़े हैं वो भी इंसान है ना हमारे जैसे, राइट। यहाँ तो बहुत सारे सुंदर लोग भी बैठे हैं, कुछ तो सुंदर भी नहीं है, हाइट भी नहीं है कुछ की, तो इसका मतलब अमीरी की शिक्षा को हाइट से, कलर से, जात से, पास से, सुंदरता से, जगह से कोई लेना देना नहीं है, बस वो शिक्षा मिल जाए अमीरी की तो हम वो शिक्षा लेकर अमीर बन सकते हैं। मैंने भी शिक्षा ली, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ ना, आज रिच क्लास में एंटर कर गई, ये शिक्षा ली तब हुई,
सवाल अब ये उठता है कि ये शिक्षा देने के लिए पैसा देना पड़ता है। वी आर दी फर्स्ट कंपनी। जब हमने LDP 4 लाख में दिया ना, 4 लाख में क्यों दिया? अरे तुम बाकी जगह अभी तक पैसे दे रहे थे, तब तुमने कुछ नहीं बोला। कंपनी तो फ्री में दिया है ना, ऑफर है ना, जैसे मन करे वैसे दे। आपको ये तो नहीं बोला अगर आप LDP नहीं आओगी तो आपको पेआउट नहीं मिलेगा, ऐसा बोला किसी को? बोला आप LDP नहीं आओगी तो आप सेंटर नहीं खोल सकती, ऐसा बोला? हाँ बोला क्या? इसके पैसे लेते हैं, जिस चीज पे कंपनी पैसा कमा सकती है ना उस पे भी नहीं कमाती। वो भी क्या देती है? फ्री। कितने साल से दे रही है? पिछले 5 साल से। ताली लगा दो एक बार। कितने साल से दे रहे हैं? 5 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट रेजिडेंशियल प्रोग्राम, राइट? जहां सिखाया जाता है। ये जो सफल लोग होते हैं ना, इनकी सोच क्या होती है? जो सफल लोग होते हैं ना, लाइफ में चैलेंज इनके भी आता है, लेकिन इन्हें चैलेंज सॉल्व करना आता है। ये सफल लोग होते हैं ना, ये चैलेंज पे कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, ये चैलेंज को कैसे हैंडल करते हैं, इनमें क्या क्या गुण होते हैं, ये कैसे एक्टिविटीज करते हैं। अच्छा मजे की बात, क्या अच्छा होता, कितना बढ़िया कि हमें कोई एक बार सिखाता अपन सीख जाते है। ऐसा होता तो अपन सब टॉपर होते। हाँ अगर ऐसा होता तो अपन सब, ऐसा नहीं है। फिर वो बार बार सीखना, बार बार सीखना, बार बार सीखना, बार बार सीखना, कहाँ का कारण? एक बार सीखा अमीरी कैसे होती है, फिर जाकर चले गए वही लोअर मिडिल क्लास जगह पर हम लोग। एक बार सीखते अमीर नहीं हो जाओगे ना। हमारे आसपास की मानसिकता क्या है? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, यही है ना। अपन अमीर तो है नहीं कि अमीर की कॉलोनी में जाकर रहे, अमीर की बस्ती में जाकर रहे, अमीर के महलों के पास रहे। हाँ हाँ कि ना? तो हमारा जो आसपास है उसका एनवायरमेंट का हमारे ऊपर फर्क पड़ता है, इसलिए बार बार जाओ, बार बार जाओ। पिछले 1.5 साल से बहुत कम LDP लगा पाए हम। अगर ये 1.5 साल LDP लगती ना तो मैं आपको बता नहीं सकती चेक कहाँ होती। समझ में आ रहा है? Yes. हाँ कि ना? Yes. कितने लोगों ने अटेंड किया कंपनी की LDP? NLP, वेरी गुड। कैसी होती है? ओके okay. अच्छा NLP में सर फोन बंद करवा देते हैं? Yes. Yes, ma'am. फोन इसलिए बंद करा देते हैं, इसका ये रीजन है जैसे अभी कृष्ण सर ने फोन पकड़ा हुआ है तो इनका सारा फोकस ना फोन पर है कि आप आने चाहिए, बोर्ड आना चाहिए, सर इसलिए बंद कराते हैं ताकि फोकस फोन पे कम हो के अपनी नॉलेज को। सुपर, ग्रेट। मैंने ना एक कन्हैया मित्तल को, जानते हैं हम लोग, खाटू श्याम जी के बड़े अच्छे भजन गाता है कन्हैया मित्तल करके है, खाटू श्याम जी के बहुत अच्छे भजन गाता है वो, गाते हैं वो, तो उनके भजन मैं भी सुन रही। तो कई बार मैं सुनती तो यही है कि नेटवर्कर है ये DK सर, कैसा नेटवर्कर है, कैसे वो भी ना अपने फंक्शन में जब बाबा का प्रोग्राम हो रहा होता है यानी वो भजन गा रहा होता है तो कुछ लोग होता है ना वीडियो बना लेते हैं तो पूरे इधर ला फोन लो, क्या है? बोलो सर ओप्पो, ये किसका फोन है? बोला ओप्पो। बोले ओप्पो नहीं, इसका नाम कलेश है। बोले बाबा बताओ इधर क्यों आए हो? वीडियो बनाने मेरी कि भजन सुनने? बोला भजन सुनने, बाबा से मिलने, बाबा से अपनी बात करने। बोला इस फोन में मेरे एंगल लेते रहोगे तो बाबा से बात करोगे, बाबा के भजन सुनोगे? तो भाई रुक जाओ, फोन बंद कर दो, 10 मिनट भजन सुन के प्रभु को याद कर दो। ये बात बिल्कुल सच है, जब आप फोन वीडियोस और इसमें लग जाते हो तो क्या होता है? फोकस हट जाता है, और जब फोकस हट जाएगा तो बात कहते हैं यहाँ जो चला गया वो याद रहता है, फोन का रखा याद थोड़े हो जाएगा। हाँ जी यहाँ बात जानी जरूरी है, तो वो यही बोलते हैं कि मेरे सेशन से जब आप निकलो तो बात कहाँ होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए? फोन की वीडियो बहुत बार सुन लेते तो अच्छा, मैं इतनी देर से फेसबुक लाइव करता हूँ, ये लाइव करता हूँ, सीख नहीं होते यार, नहीं होता इतना ज्यादा ना फर्क नहीं पड़ता। जो ये माहौल का फर्क पड़ता है ना वो फेसबुक वालों को फर्क थोड़े पड़ रहा होगा, है ना? उनको तो पता नहीं कितने डिस्ट्रक्शन आ रहे होंगे, कॉल आ रहा होगा, कभी कुछ आ रहा होगा, कभी कुछ आ रहा होगा, राइट? तो कंपनी ने क्या करा, ये LDP दे दी, प्लस साथ में आपके टीम ने क्या किया, साथ
साढ़े बारह हजार यानी ये कर लो या ये कर लो, समझ में आया? Yes. ये कर लो एटीपी क्वालिफाई हो जाओगे या ये। अब इसमें कितना जा रहा बीवी? 25,000। उसमें कितना बीवी है? तो जिसको जो आसान लगे वो सेल्फ पे कर ले। किसमें? इसमें 1,000 है दीदी। उसमें सेल्फ पे कितना है? ठीक है, पैसा लो साथ में एजुकेशन फ्री मिल, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और नहीं भी लोगे तो भी आपको जैसा मन करे वैसा करें, प्लान आपके लिए है, प्रोडक्ट आपके पास है, सेल होगी तो पैसा आएगा, राइट? क्लियर है? चलो, 4 लाख का प्लान हो गया? नो। 4 लाख का प्लान हो गया? नो। 4 का कब होता? जब कंडीशन होगी। नहीं बनाओगे तो तुमको पहले दूसरी गेम का नहीं या कट जाए या डेप्थ की नहीं आएगी या इतने डेप्थ की आएगी, उससे बोलते हैं मल्टी लेग प्लान भाई, समझ आ रहा है? उसे बोलते हैं ब्रिथ प्लान, जिसमें ब्रिथ नहीं बनाओगे तो डेप्थ कट जाएगी या डेप्थ का पैसा नहीं आएगा। बात समझ में आई? बोलो हाँ। नेक्स्ट, एक ऑफर चल रहा है आपका साल भर का, जीआरडी फर्स्ट कंपनी जो एक्यूमुलेटिव पेमेंट जनरेशन प्लान के अंदर आपको एक ऑफर दे रहे हैं साल भर का, 15 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक 2022 तक। क्या ऑफर है? 30 लाख। इधर बताओ। 10 लाख। 10 और 5। 10, 5। यही है ना? यस। पक्का? यस। पोस्टर देख लो भाई, यही है, देख लो, यही है। आप मत देखो, आप फोन करो, फोकस ही करना चाहिए, यही है। थैंक यू भाई, बहुत अच्छे। कृष्ण भाई के लिए ताली लगा दो यार, यही है। फोन बहुत भारी है जिसे पकड़ के बैठा है। नहीं, बहुत भारी फोन है। खैर, तो आपको क्या मिलेगा? 5 लाख का रिवॉर्ड मिलेगा, जिससे आप जीप कंपास या घर ले सकते हो। कैसा रहेगा? अच्छा, फिर ये नहीं बोला कंपनी ने ये नहीं करोगे तो ये इनकम नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, रिवॉर्ड है। मना तो ले लो, नहीं मना तो क्या हुआ है? शादी में फंक्शन में लोग गए, फंक्शन में सारा खा लिया, खाने के बाद रसगुल्ला आया, मतलब रसगुल्ला भी आएगा। सर हमने कौन सा बोला कंपल्सरी है खाना? नहीं खाना सर, कर दो खाना है खा लो, पास बीमारी है ऐसे लेना है ले लो, रसगुल्ला आया अलग से, नहीं लेना कैरी ऑन योर ओल्ड प्लान। क्या दिक्कत है? जो परफॉर्मर है वो लेना चाहता है तो वो लेगा, कोई दिक्कत? जो करना चाहेगा उसको जरूरत है तो वो एक्स्ट्रा मेहनत करके लेगा, कोई दिक्कत? यार हमारे प्लान में ज्यादा से ज्यादा गाड़ी और घर, और मैं बताऊं पहली बार सच में गाड़ी या घर कंपनी से आए, प्लान की रिनम तो ये रही, ये तो रिवॉर्ड है। दूसरा ऑफर, यहाँ तो 5 लाख हो गया, दूसरा 60 लाख, 20 लाख, 10 लाख। टोटल बीवी कितना हुआ? एक्युमुलेटिव वे में एक साल 1.5 करोड़ दे दिया तो क्या होगा? 15 लाख। भाई साहब कितना होता है? 10% पे आउट होते हैं, क्या होते हैं इतने? तो हमारा पे आउट आ गया, वो अलग, ये रखा हुआ आपका पे आउट, 15 लाख का रिवॉर्ड अलग। साहिरी यानी सच में ये गाड़ी और घर कंपनी के पैसे से है, बाकी तो मेरी कमाई है, जो रिवॉर्ड है वो ऑफर होता है एक्स्ट्रा से आई है, हाँ कि ना? Yes. और वो भी कितने साल का ऑफर है? एक साल। वो भी कैसा है? जुड़ते हुए क्रम में एक्युमुलेटिव, करना चाहता है कर लेगा, नहीं करना चाहता कैरी ऑन योर ओल्ड प्लान, क्या दिक्कत है? समझ में आया? Yes. याद रख, क्लियर? Yes. साइन लगा दो एक बार कंपनी के लिए, एक बार जोर से ताली लगाओ इस सारी की मांग को लेकर। बिजनेस वॉल्यूम के लिए क्या बूस्टर लगा हुआ था बताएं? बूस्टर नंबर 1,
एक्टिव बोनस, बूस्टर नंबर टू कंसल्टेंसी बोनस, क्या होता था 2500 बंदा करते हो सर क्लोजिंग हो गई। दूसरा टारगेट क्या होता था 2500 का तीन महीने का चौथे महीने सर अब क्या करूं तो हो गया अब तो 50,000 करेंगे सीधे। बात समझ में आ रही है? और जिसका 2500 के नीचे हो नहीं है वो 1 महीने 2 महीने में वैसे ही मर गया। आज आपके प्लान में क्या क्या बूस्टर है जल्दी बताओ। ये तो है ही है, इसके अलावा फ्लैगशिप बूस्टर नंबर तीन परफॉर्मेंस बोनस, जिसके कारण नए फ्रेश लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। मायने नहीं रखता 10 रुपया, मायने ये रखता आया और हमारे यहाँ तो आएगा। क्यों हमारे यहाँ तो आएगा, इधर को नहीं 100 रुपये से ऊपर का तो ही आएगा या 1000 रुपये से ऊपर तो ही आएगा, नहीं है आएगा। फोर्थ परफॉर्मेंस बोनस के बाद क्या आएगा? फ्लैगशिप। 50,000 से ऊपर 4 बूस्टर मिल गए आपको बिजनेस वॉल्यूम के, बिजनेस बिल्डिंग फंड सेल्स बूस्टर। क्या है तो बिजनेस बिल्डिंग फंड तो हमारी जान है। क्या है ये जान है, मुझे पता है 8-10 हजार आएगा तो बंदा कैसे कूद कूद के नाचेगा। इतने बड़े पेआउट के बाद भी आज भी मुझे ऐसा लगता है कि 8-10 हजार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सारे लोग हमारे आस पास में जो जान पहचान के लोग हैं वो इसी पे आउट के लिए काम कर रहे हैं, राइट। 50,000 से ऊपर क्या था? कंसेंसी करो 3 महीने कार फंड, 6 महीने कंसेंसी करो हाउस फंड, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, या फिर 1 लाख देन 1.5 लाख देन 2 लाख, यही था ना। अभी क्या मिल गया? सुपर फ्लेक्सिबल, सुपर फ्लेक्सिबल बोनस, मेगा फ्लेक्सिबल बोनस। अब मुझे बताओ पे आउट बढ़ेगा कि नहीं? सेल्स ग्रोथ होगी तो पे आउट बढ़ेगा। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्स ग्रोथ होगी कैसे? ये प्लान के बूस्टर लगे जिनसे सेल्स ग्रोथ होगी। 50,000 से नीचे क्या है? ये सारे। 50,000 से ऊपर क्या है? सुपर फ्लेक्सिबल, बनाने के लिए तैयार हो? यस। बढ़िया हुआ कि बहुत बढ़िया? बहुत बढ़िया।